आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से अमंग अस गेम जो है वो हमारी रियल लाइफ में बहुत तगड़ी तरह से रिजेम्बलेंस दे रहा है और ये बात बहुत ही अजीब और डरावनी है। किस काम का हुआ है ये? यूजलेस डेटा है, हमारे किसी काम का नहीं है। तो अमंग अस गेम में 10 क्रू मेंबर्स होते हैं जो कि एक स्पेसशिप में हैं और उन्हीं के बीच होता है एक बंदा जो है धोखेबाज और वो है इम्पोस्टर। क्रू मेंबर्स दो तरह से जीत सकते हैं। नंबर वन, या तो वो अपने दिए हुए सारे के सारे टास्क को, असाइन टास्क को पूरा कर लें, या फिर नंबर टू, वो इम्पोस्टर को फाइंड आउट कर लें और उसको स्पेसशिप से बाहर धकेल दें। इम्पोस्टर जीत जाता है अगर वो सारे क्रू मेंबर्स को खत्म कर देता है तो, और उनके जितने भी टास्क उन्होंने पूरे करे हैं उनको खराब। हमारी वर्ल्ड भी बिल्कुल इसी तरह से है। आपके हमारे जैसे लोग हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं ताकि लोगों की जिंदगी स्मूथली रन करती रहे, अच्छा वक्त रहे और सोसाइटी जो है पीस और हार्मनी में स्मूथली रन करती रहे। और हमारे ही बीच होते हैं कुछ इस तरह के लोग जो किसी की तरक्की नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी चाहते हैं दूसरों की, जो सबको बर्बाद कर देना चाहते हैं, और वो ऐसे नेचर के होते हैं कि वो चाहते हैं बस ये दुनिया जलती रहे। गेम में एक इमरजेंसी मीटिंग होती है जिसमें सारे क्रूमेट्स आपस में डिसाइड करते हैं कि किसको स्पेसशिप से बाहर फेंका जाए, किसको बाहर निकाला जाए, कौन हो सकता है इम्पोस्टर। उसी तरह से रियल लाइफ में भी लोग आपस में बैठते हैं और एक दूसरे को भड़काते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, आपके खिलाफ भड़काते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल किसी के भी ओपिनियन को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो गया है, जैसा कि हम अपनी वीडियोज में अक्सर डिस्कस करते ही रहते हैं। किसी को भी भड़काना आजकल बहुत ईजी है और लोग लाइफ में यही किया करते हैं। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। गेम में कई बार ऐसा भी होता है कि एक ऐसे व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है जो गिल्टी नहीं है, जो इम्पोस्टर नहीं है, पर फिर भी उसे बाहर रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? जस्ट फॉर फन। उसी तरह से लोग आपको अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देते हैं 2 मिनट में, क्योंकि या तो अब उनको आपसे कोई काम रहा नहीं, या तो अब आप उनके किसी काम नहीं आ सकते, या फिर वो अपने आप को आपसे ज्यादा सुपीरियर समझते हैं और अपनी सुपीरियरिटी आपके ऊपर दिखाना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो? सस टाइटल होता है कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए, यानी कि कुछ अजीब हरकत के लिए। सस नाम का टाइटल दे दिया जाता है एक ऐसे क्रूमेट को जो कुछ गड़बड़ कर रहा है, अलग कर रहा है या अजीब कर रहा है। रियल लाइफ में आपको सस नाम का टाइटल नहीं दिया जाता। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बिल्कुल अलग है, अजीब है, हटके है या बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल है, जो बाकी की सोसाइटी को समझ में नहीं आ रहा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो आपको अलग ही नाम दिए जाते हैं, जैसे वो पागल, गधी, मेंटल, बेवकूफ, क्या कर रही है ये, चुप, हमें सिखा रही है। ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोखा दिया। इसी तरह के नाम देते हैं लोग आपको। आपको आपकी चॉइसेस के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है रियल लाइफ में, और आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं कि देखो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, फिर भले ही चीज सही हो या नहीं। आई वंडर हमारी रियल लाइफ में हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। गेम में इम्पोस्टर के पास एक स्पेशल पावर होती है और वो ये है कि वो स्पेसशिप को कभी भी सैबोटेज करवा सकता है, पावर फेलियर करवा के, ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करके, कॉम्स फेलियर करवा के, कम्युनिकेशन फेलियर करवा के वो ऐसा कर सकता है। उसी तरह से हमारी सोसाइटी में भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो या तो अपने ऊपर अटेंशन पाने के लिए या किसी भी तरह का पर्सनल गेन पाने के लिए सोसाइटी में एक केओटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, एक अनरेस्ट लेके आते हैं, एक इम्बैलेंस लेके आते हैं। और जब भी हमारी सोसाइटी में एक डिस्टरबेंस होता है, एक इम्बैलेंस होता है, तब इसके बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन इन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं जी। आप सुनते ही रहते हैं न्यूज में कि पॉलिटिशियंस हो गए, एंटी सोशल एलिमेंट्स हो गए, ये लोग अक्सर ऐसा करते रहते हैं। जब भी चीजें स्मूथ चल रही होती हैं, अच्छी चल रही होती हैं, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करते ही रहते हैं। It's possible. Imagine कीजिए एक ऐसा world जहाँ पे कोई भी imposter हो सकता है, या हो सकता है हर कोई एक imposter हो। किस पे भरोसा करेंगे आप और किस पर नहीं करेंगे? आपका दोस्त, आपके करीबी, कोई भी आपको कभी भी धोखा दे दे जहाँ पर, just because उनका motive पूरा हो गया, वो जीत गए, अब आपकी जरूरत खत्म हो गई, क्या करेंगे फिर आप? जी शुरुआत करें और नहीं निचारो, पहले देख रहे तो क्या ड्रामा चल रहा है यार। I know अब आप मुझसे बोलोगे कि भाई why so serious babe, it's just a game, but I'm sorry to say that fiction sells more than actual news. Among Us game से एक ये चीज हम सीख सकते हैं कि only when we all are together, then only we can win.
जब हम सब साथ हों, एक हों, तभी हम बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को दूर रख सकते हैं। तभी हमारा जो स्पेसशिप है, जो हमारा वर्ल्ड है, वो स्मूथली रन करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए रांटी रोना चैनल को, एंड आई विल सी यू।